गुड मॉर्निंग एवरीवन, आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। गवर्नमेंट वेट एंटी करप्शन क्लॉजेस इन रफेल। भारत और फ्रांस के बीच 7.87 बिलियन यूरो की रफेल डील में भारत सरकार द्वारा प्रमुख और अभूतपूर्व रियायतें यानी इनवॉल्व मेजर एंड अनप्रेसिडेंटेड कंसेशंस दी गई थी, जिसमें भ्रष्टाचार विरोधी दंड और एस्क्रो अकाउंट से पेमेंट करने के प्रावधान इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट IGA साइन करने के कुछ दिनों पहले ही हटा दिए गए। तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC सितंबर 2016 में मिली और काउंसिल ने IGA सप्लाई प्रोटोकॉल्स, ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑफसेट शेड्यूल्स में 8 बदलाव को रेटिफाई किया और उसे मंजूरी दी। ये 8 बदलाव क्या है आइए देखते हैं। IGA के आर्टिकल 5 का पुनरक्षण किया गया, उसे रिवाइज किया गया। सप्लाई प्रोटोकॉल्स के क्लॉज 21 है जो आर्बिट्रेशन से रिलेटेड है, उसका भी पुनरक्षण किया गया। पेनल्टी फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनुचित प्रभाव के लिए दंड, एजेंट्स या एजेंसी कमीशन और एक्सेस टू अकाउंट्स खातों तक पहुंच, ये कुछ ऐसे मानक DPP क्लॉजेस है सप्लाई प्रोटोकॉल में जिन्हें समावेश नहीं दिया गया। फिर DPP 2013 की गाइडलाइंस में क्लॉज 8.1, 27 और 29 में मामूली बदलाव। इसके अलावा DPP 2013 के मॉडल ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट में बताए गए ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स के अतिरिक्त आर्टिकल 9 और 17 का समावेश। ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट के पुनरीक्षित आर्टिकल 9 को सप्लाई प्रोटोकॉल के XX क्लॉज के साथ रखा गया। ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट के पुनरीक्षित आर्टिकल 12 को कॉन्ट्रैक्ट के साथ रखा गया। फाइनली DA और MBDA के ऑफसेट शेड्यूल्स को पुनरीक्षित किया गया, उन्हें फिर से रिवाइज किया गया। पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो है पेज 2 पे। जयपुर बर्डिंग फेयर डेडिकेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ वेडर्स। जयपुर के मानसागर लेक के किनारे 22वां इंडियन बर्डिंग फेयर आयोजित किया गया जो कि वेडिंग बर्ड्स के संरक्षण के लिए समर्पित था। वेडिंग बर्ड्स वो छोटी छोटी चिड़ियाएं हैं जो कि ज्यादातर पानी के किनारों पर ही पाई जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में तकरीबन 84 प्रजातियां वेडिंग बर्ड्स की है जिसमें से 64 प्रजाति प्रवासी है। आपको बता दें कि मानसागर झील एक आर्टिफिशियल झील है जिसका नाम तत्कालीन आमेर के राजा मानसिंह के नाम पे पड़ा है जो कि मुगल राजा अकबर के एक विश्वसनीय प्रधान भी रह चुके हैं। इस झील के बीचों बीच एक महल भी है जिसका नाम है जल महल। अगली खबर है पेज 4 पे, स्टेट फोर्स टू गेट 600 करोड़ रुपीज रिवैम्प। महाराष्ट्र में अनेक किलों की मरम्मत और संरक्षण के लिए रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 600 करोड़ रुपए का जॉइंट फंडिंग प्लान का प्रस्ताव रखा है। इस 600 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में से 113 करोड़ रुपए रायगढ़ किले के संरक्षण के लिए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 10 और किलों के संरक्षण के लिए अलग से 100 करोड़ रुपए देने का वादा किया है जिसमें पन्हाला, सिंधुदुर्ग, जूना किला जिसे बॉयकॉट फोर्ट भी कहते हैं सोलापुर में, विदर्भा और शिवनेरी के किले शामिल है। अगली खबर है चैनल वॉच। ब्रॉडकास्टिंग और केबल सर्विसेज के लिए भारत के टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 1 फरवरी से नए टैरिफ और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रभाव में लाए हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन द्वारा कुछ तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जो कि इस प्रकार है। देश में तकरीबन 17 करोड़ ऐसे घर हैं जहां टीवी है। इनमें से 7 करोड़ घरों में DTH है और 10 करोड़ घरों में केबल टीवी है। इनमें से 9 करोड़ घरों ने, जो कि तकरीबन 53% हो जाता है, वे अपनी चैनल की प्राथमिकताएं बता चुके हैं। इनमें से 6.5 करोड़ केबल टीवी के उपभोक्ता है और 2.5 करोड़ DTH के उपभोक्ता है। नए रूल्स के मुताबिक उपभोक्ता अब जो चैनल देखना चाहते हैं वो वही चैनल सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे उसी चैनल्स के लिए पेमेंट करना होगा। साथ ही साथ
हर चैनल की रेट इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड में दिखाई जाएगी। ट्राई का कहना है कि ऐसा करने से टीवी उपभोक्ताओं का खर्चा कम हो जाएगा और डेटा के मुताबिक ये खर्चे ऑलरेडी दिल्ली और मुंबई में गिर चुके हैं। नेक्स्ट इज ओनली 4 उड़ान दूर से नॉर्थ ईस्ट ऑपरेशनल। उड़ान स्कीम लॉन्च होने के 2 साल बाद भी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में हवाई कनेक्टिविटी को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस क्षेत्र में कई एयरलाइंस को 20 बाई डायरेक्शनल रूट्स दिए गए थे, जिसमें से सिर्फ 4 ऐसे रूट्स अभी वर्तमान में चालू है। जो 4 रूट्स कनेक्ट किए गए हैं वो है गुवाहाटी पाक्योंग गुवाहाटी स्पाइसजेट द्वारा, जोरहत कोलकाता जोरहत इंडिगो द्वारा, लीलाबरी कोलकाता लीलाबरी स्पाइसजेट द्वारा और पैक्योंग दिल्ली पैक्योंग स्पाइसजेट द्वारा। नेक्स्ट इज कोर्ट्स कांट रिड्यूस मिनिमम सेंटेंस से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सांसदों द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम सजा से कम सजा कोई भी कोर्ट नहीं दे सकती है। ये रूलिंग तब आई जब मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा अपील की गई कि विक्रम दास, जिसे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के अंतर्गत दोषी करार देते हुए हाई कोर्ट ने उसे 6 महीने की सजा दी थी, तो सरकार ने अपील की थी कि इस सजा को कम करके 11 दिन कर दी जाए, जो वो ऑलरेडी जेल में भुगत चुका है। इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और हेमंत गुप्ता ने कहा कि जहां पर न्यूनतम सजा दी गई है वहां न्यूनतम सजा से कम सजा नहीं दी जा सकती है और इसके लिए संविधान के आर्टिकल 142 का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट इज बजट शॉर्टफॉल वरीज डिफेंस सर्विसेज। अंतरिम बजट 2019-20 में डिफेंस आवंटन में कमी, स्पेशली कैपिटल एलोकेशन के आवंटन में कमी के कारण इन सर्विसेज में चिंता का माहौल है। अंतरिम बजट में इन सर्विसेज को क्या आवंटन दिया गया था, आइए एक नजर डालें। आर्मी के लिए प्रोजेक्टेड अनुमानित राशि थी 36,000 करोड़ रुपए, जबकि उसको आवंटन दिया गया 29,700 करोड़ रुपए का और उसकी कमिटेड लायबिलिटीज है 21,600 करोड़ रुपए। नेवी के लिए अनुमानित राशि थी 35,714 रुपए और जो आवंटन किया गया, अलॉटमेंट किया गया वो राशि है 22,227 करोड़ रुपए और उसकी कमिटेड लायबिलिटीज है 25,461 रुपए। वही एयरफोर्स को दी जाने वाली अनुमानित राशि थी 74,895 करोड़ रुपए और उसे जो आवंटन दिया गया वो राशि है 40,347 रुपए और जो उनकी कमिटेड लायबिलिटीज है वो है 47,413 करोड़ रुपए। बढ़ते हैं आखिरी पेज पर, हमारी आखिरी न्यूज की तरफ। अबू धाबी एड्स हिंदी एज थर्ड लैंग्वेज इन कोर्ट्स। अबू धाबी जुडिशियल डिपार्टमेंट ने अपनी सिटी कोर्ट्स में हिंदी को तीसरी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर ऐड कर लिया है। अबू धाबी में सिटी कोर्ट्स की दो और ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, अरेबिक और इंग्लिश, जिसमें अब हिंदी भी ऐड हो चुकी है। अबू धाबी जुडिशियल डिपार्टमेंट का ये कहना है कि इस कदम से फॉरेनर्स को मुकदमेबाजी की प्रक्रिया, उनके राइट्स, उनके ड्यूटीज बिना किसी भाषा के अवरोध के, विदाउट एनी लैंग्वेज बैरियर, जानने में आसानी होगी। इसी के साथ खत्म होता है हमारे आज का द हिंदू का विश्लेषण।